కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన భారత్ న్యాయ యాత్ర అసోంకు చేరుకుంది నాగాలాండ్ నుంచి అసోంకు చేరుకున్న యాత్ర శివసాగర్లో ప్రసంగించారు రాహుల్ దేశంలో బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ చేస్తున్న అన్యాయాన్ని ప్రజలకు తెలియజేసేందుకే భారత్ జోడో యాత్రలో న్యాయ పదాన్ని చేర్చామన్నారు రాహుల్ మణిపూర్లో అంతర్యుద్ధం పరిస్థితులు నెలకొంటే ఇప్పటి వరకు ప్రధాని మోదీ అక్కడికి వెళ్లకపోవడం దారుణమని మండిపడ్డారు मणिपुर नागालैंड असम से लेकर महाराष्ट्र तक जाएगी इस यात्रा का लक्ष्य हर धर्म को हर जात को हिंदुस्तान की जनता को एक करने का तो है मगर इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ रखा है क्योंकि हम मानते हैं कि देश में हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस अन्याय कर रहे हैं आर्थिक अन्याय सामाजिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय मणिपुर में आप जानते हो सिविल वॉर सी सा माहौल बना हुआ है स्टेट बटा हुआ है और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए नागालैंड में प्रधानमंत्री ने बड़े वायदे किए थे फ्रेमवर्क अग्रीमेंट नौ साल पहले उन्होंने साइन किया नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं कि फ्रेमवर्क अग्रीमेंट का क्या हुआ जो प्रधानमंत्री का वायदा था उसका क्या हुआ ऐसी ही चीजें आसाम में भी हो रही हैं। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार आसाम में चलती है आप लोग जानते हो आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे मैं आज नागालैंड के पीसीसी प्रेसिडेंट और हमारी नागालैंड की टीम को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आपने यात्रा को बहुत अच्छी तरीके बहुत अच्छी तरीके से नागालैंड में चलाया बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अब मुझे लगता है कि आसाम में वैसा ही रिस्पांस, बहुत गहरा प्यार भरा रिस्पांस हमें मिलेगा आपने शंकर देव जी की बात की ये यात्रा शंकर देव जी की विचारधारा की यात्रा है जो उन्होंने कहा और जो आसान का इतिहास है हिस्ट्री है उसी को हम फिर से दोहरा रहे हैं शंकर देव जी ने आपको रास्ता दिखाया था सबको जोड़ने का काम किया था अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उसी प्रकार से उसी रास्ते पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलने जा रही है आपने इतना प्यार भरा स्वागत दिया इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद नमस्कार जय हिंद नागालैंड प्रदेश कांग्रेस सभापति प्रदेश कांग्रेस चीफ ऑफ द नागालैंड